Thank you, Chairman sir. Recently, Indian Meteorological Department has raised yellow alert for the heat wave in March. Sir, the temperature, if we see, in Maharashtra, it was 44 degrees centigrade. In Mumbai, it was 39. Karzat, it was 45 degrees centigrade. And Madhya Pradesh, 44 degrees centigrade was there in March 19th. This is not in May. This is in March. So this yellow alert was raised. What are the challenges which we face if the heat wave is there and which we are already having it? ये दिल्ली में भी है और बाकी राजस्थान और गुजरात में भी हीट वेव शुरू है। ये इस बदलते मौसम की वजह से सबसे जो अफेक्ट होते हैं वो गरीब लोग हैं और किसान। तो इनके लिए गर्मी के कारण जो हीट एग्जॉशन होता है, हीट क्रैम्स होते हैं, हीट स्ट्रोक होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर सोच होनी चाहिए और वो वैसे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश देना चाहिए। गर्मी के कारण अनाज या फल जो हैं वो उसकी उपज कम हो जाती है, दूध खराब होने लगता है, ये सब परेशानियां बढ़ती हैं। वैसे ही लाइटनिंग यानी बिजली गिरने का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी मौतें होती हैं, डेथ्स होती हैं। वैसे ही जंगल में आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से और परेशानियाँ, क्योंकि फॉरेस्ट अभी कम हो रहा है और इसमें आग लगने से और भी कम हो जाएगा। और जो एलिट क्लास है उनके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। आप सबको, हम सबको पता है कि कूलर्स और एसी ज़्यादा चलते हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ते हैं। तो इस सब के लिए जैसे पिछले साल यूएसए और कैनेडा में भी हीट वेव थी, तो 1400 से भी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, मौतें हुई थी। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी अभी ये येलो अलर्ट है। तो उसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि उन्होंने सभी स्टेट्स के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, वैसे दिशा निर्देश, क्योंकि येलो अलर्ट तो जारी कर रहे हैं लेकिन येलो अलर्ट के साथ में क्या करना चाहिए इसके भी कुछ पॉलिसी रहे, उसके भी कुछ SOPs बने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहे, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद।